नमस्कार। क्या आपको पता है देश में 543 सांसद लोकसभा में चुनकर जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि लोकसभा में जब संसद में सांसद बैठते हैं तो वहां पर 420 नंबर की सीट क्यों नहीं दी गई, और कब से ये 420 नंबर की सीट बंद की गई? पहले तो 420 नंबर की सीट सबको आवंटित की जाती थी, लेकिन कौन सी लोकसभा से यह सीट बंद कर दी गई? आखिर क्या कारण रहा और उसकी जगह कौन सी दूसरी सीट आवंटित की गई, ये जानते हो आप? देखिए, अपन देश में 543 सांसद अभी चुनकर आते हैं लोकसभा में, और ये 400 नंबर की सीट है ना, ये किसी को आवंटित नहीं की गई है। अब क्यों नहीं की गई, इसके पीछे कारण क्या है, देखिए। किसी एक सदस्य ने इसके ऊपर आपत्ति जताई और उसके बाद में यह सीट आवंटित करना निरस्त कर दिया गया संसद में। देश की संसद में 420 नंबर की सीट किसी को नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई, ये देखिए आप। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत, अब आप देखना, आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के 420 के तहत इसको जालसाजी और धोखाधड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। मतलब 420 मतलब एक नाम ही अलग तरह का है। अगर आप किसी को कहोगे ये 420 नंबर का पर्सन है, समझ जाएंगे ये धोखाधड़ी आदमी है और ये जालसाजी का आदमी है। इसीलिए इसको थोड़ा एक अपमानित वर्ड समझा जाता है अपने भारत में। इसीलिए हर कोई इंसान 420 नंबर का नहीं कहलाना चाहता। क्यों? अगर 420 आते ही हर किसी के जुबान पे आ जाएगा ये धोखाधड़ी आदमी है और ये जालसाजी वाला आदमी है। इसीलिए ये 420 नंबर वाली सीट आपत्ति हुई संसद में। अब ये 420 वाली सीट कब कौन सी लोकसभा में निरस्त हुई, ये देखिए आप। 14वीं लोकसभा में, 14वीं लोकसभा के दौरान एक सदस्य को जब यह सीट आवंटित की गई तो उसने स्पीकर से, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उससे यह सीट निरस्त करने की मांग की गई। क्यों की गई? तो उसे लगा कि यार ये 420 सीट अगर मुझे आवंटित होती तो यह मेरा अपमान होगा। जब मैं सीट पर बैठूंगा तो लोग मुझे यह समझेंगे ये धोखाधड़ी आदमी और ये जालसाजी आदमी है। तो इसने स्पीकर से निवेदन किया कि यह सीट मुझे निरस्त की जाए और दूसरी सीट दी जाए। फिर तब से क्या हुआ, देखिए आप। फिर उस जगह 419A नाम की सीट बनाई। 419 नाम की तो सीट है, फिर 420 की जगह 419A नाम की सीट बनाई और फिर वह कुर्सी बनाई और फिर वो उनको आवंटित की गई। 14वीं लोकसभा से यह चेंज हो गया। इससे पहले 420 नंबर की सीट सबको आवंटित हो रही थी। ये नोट करने के वाली बात है और आपको जीके में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और अभी 15वीं लोकसभा में देखिए आप, अभी जो वर्तमान में जो 15वीं लोकसभा चल रही है उसमें यह सीट किसको आवंटित की गई है, 419A। यह सीट असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांसद बदरुद्दीन अजमल को 420 की जगह 419A नाम की नंबर की सीट दी गई है। यह जो सीट अभी 15वीं लोकसभा में यह जो सीट मिली है, असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांसद हैं बदरुद्दीन अजमल को 420 की जगह 419A नंबर की सीट दी गई है। तो इस कारण से लोकसभा में 420 नंबर की सीट थी उसको चेंज करके 419A नाम की सीट बनाई गई है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूं।